हरे कृष्णा, आप सभी को राधे राधे। आज हम आपको दिखाएंगे कि इस्कॉन जानकीपुरम सेंटर में जन्माष्टमी का उत्सव कैसे मनाया जा रहा है। मैंने यहाँ पर शाम का फंक्शन अटेंड नहीं किया था, सिर्फ मॉर्निंग का ही फंक्शन अटेंड किया था। और यहाँ पर बहुत सारी मॉर्निंग सेवाएं होती हैं, जैसे श्री कृष्ण को भजन सुनाना, श्री कृष्ण को भोग ऑफर करना। तो अभी जब मैं वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पर भजन सेवा चल रही थी, जो कि हमारी आकांक्षा माता जी द्वारा की जा रही थी। आकांक्षा माता जी बहुत सुंदर भजन गाते हैं, आपने इनका भजन तो सुना ही है। लखनऊ टू अयोध्या में जब हम अयोध्या गए थे लखनऊ से, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से बस में भजन गाया था। वो भजन अवेलेबल है, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। और यहाँ पर हो रहा था संकीर्तन, सभी माताएँ और प्रभु जी संकीर्तन पर अपना अपना ऑफर कर रहे थे श्री कृष्ण को, अपना अपना भजन। और फिर हमारी जो फेवरेट सेवा थी, जो श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है, वो है भोग सेवा। अब श्री कृष्ण बहुत छोटे हैं, तो उनके लिए उनकी सखियाँ और उनकी माता जी, उनकी यानी माएँ बहुत टेस्टी टेस्टी सा भोग बनाती है। और ये भोग प्रिपरेशन पता है कब से चलती है? लगभग जन्माष्टमी के एक महीने पहले से, जब यहाँ सभी माताएं अपनी खाने की प्रिपरेशन घर से करके लाती हैं और बहुत ही ममतामयी रूप से यहाँ पर बनाने का प्रयास करती है। सब जल्दी जल्दी से बना रही थी, क्योंकि हमारी लल्ला कभी भी आ सकते हैं और सभी वो देखने भी आते हैं कि हमारी सखियाँ और माता जी क्या क्या बना रही हैं। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिशेज होती है, जैसे डोसा होता है, इडली होती है और अनेक प्रकार के व्यंजन होते हैं। अब श्री कृष्ण आएंगे तो उनके सखा भी तो आएंगे, तो भोग प्रिपरेशन भी तो बहुत ज़्यादा होगी। टोटल 56 प्रकार के भोग बन रहे थे और यहाँ पर जूस की तैयारी हो रही थी। ये सारे मसाले रेडी किए गए थे, ये भोग बन चुके थे और कुछ भोग बनने बाकी थे जो कि माताएं आकर बना रही थी। अब बहुत सारी डिशेज उन्होंने सोची थी, तो बहुत सारी माताएं कुछ लेट हो गई थी कुछ काम में, तो आकर बना रही थी। अब श्री कृष्ण को मलाई तो बहुत पसंद है, क्यों, और उनको दूध भी बहुत पसंद है। तो मेरी माता जी यानी मेरी मम्मी बना रही थी उनके लिए रबड़ी, और यहाँ पर माता जी बनाई थी डोसा।
प्रकार से हमने जो है इस्कॉन में जन्माष्टमी उत्सव मनाया और कृष्णा को सेवा ऑफर की। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब।